नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं हिना जोशी छेत्री। सबसे पहले मुख्य समाचार। नव निर्वाचित लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य सदस्यों ने ली शपथ। प्रधानमंत्री ने कहा, संसदीय लोकतंत्र में सक्रिय विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण। मुख्यमंत्री ने पलायन आयोग द्वारा प्रस्तुत अल्मोड़ा की रिपोर्ट का किया विमोचन। रिपोर्ट के आधार पर पलायन रोकने और रिवर्स माइग्रेशन के लिए रोड मैप तैयार करने के दिए निर्देश। देहरादून के त्यूनी में दर्दनाक सड़क हादसा। खाई में गिरी CISF इंस्पेक्टर की कार, परिवार समेत सभी 6 लोगों की मृत्यु। और प्रदेश में कई जगहों पर झमाझम बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत, किसानों के भी खिले चेहरे। अब खबरें विस्तार से। 17वीं लोकसभा के पहले सत्र की आज से शुरुआत हो गई है। नवनिर्वाचित लोकसभा का पहला सत्र आज सदस्यों के शपथ ग्रहण के साथ शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने नवनिर्वाचित सदस्यों को पद की शपथ दिलाई। सबसे पहले प्रधानमंत्री तथा सदन के नेता नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की। इनमें राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, डीवी सदानंद गौड़ा, हरसिमरत कौर बादल, रविशंकर प्रसाद, संतोष गंगवार और स्मृति ईरानी शामिल रहे। साथ ही डॉक्टर हर्षवर्धन, श्रीपद नायक और अश्विनी चौबे ने संस्कृत में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशा व्यक्त की है कि संसद के इस सत्र के दौरान सभी राजनीतिक दल चर्चा में भाग लेंगे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। गौरतलब है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव बुधवार को होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दोनों सदनों को बृहस्पतिवार को संबोधित करेंगे। केंद्रीय बजट अगले महीने की 5 तारीख को प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग उत्तराखंड द्वारा प्रस्तुत अल्मोड़ा जिले की रिपोर्ट का विमोचन किया। इस रिपोर्ट में अल्मोड़ा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक विकास को सुदृढ़ करने एवं पलायन को कम करने के उपायों पर सुझाव दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पलायन को रोकने के लिए जिन जनपदों का सर्वे हो चुका है, उन जिलों के लिए आगे के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जाए। पलायन को कैसे नियंत्रित किया जाए और किस प्रकार रिवर्स माइग्रेशन हो, इसके लिए सुनियोजित तरीके से रोड मैप बनाया जाए। ग्राम्य विकास और पलायन आयोग के उपाध्यक्ष SS नेगी ने कहा कि सामाजिक आर्थिक विकास को सुदृढ़ करने और पलायन को कम करने के लिए राज्य के विभिन्न जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर विशेषज्ञों और स्थानीय लोगों के साथ विचार विमर्श किया गया। आपको बता दें कि आयोग द्वारा अभी तक 4 रिपोर्ट सरकार के समक्ष प्रस्तुत की जा चुकी है। प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन को सार्थक करने में बागेश्वर की नगरपालिका पूरे जी जान से जुटी हुई है। नगरपालिका ने प्लास्टिक के कूड़े के निस्तारण का जो हल निकाला है, उससे शहर में अजैविक कूड़े में कमी आने के साथ पालिका को मुनाफा भी होता नजर आ रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। बागेश्वर नगरपालिका ने शहर में अजैविक कूड़े के खिलाफ नया अभियान छेड़ा है। दरअसल प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन को सार्थक बनाने की ओर कदम बढ़ाते हुए पालिका ने एक नई पहल की शुरुआत की है। शहर के जिन क्षेत्रों में जहां पालिका का वाहन नहीं पहुंच पाता था, उन जगहों के लिए नगरपालिका ने 34 महिलाओं की टीम बनाई है जो घर घर जाकर कूड़ा एकत्रित करती हैं। इसके अलावा पालिका ने नगर में अब एक स्पेशल कूड़ा गाड़ी भी चलाने की शुरुआत की है। ये वाहन प्लास्टिक, प्लास्टिक के पानी और कोल्ड ड्रिंक की बोतलें, रबर, पुराने जूते चप्पल उठाती है, जिसके बाद कॉम्पैक्ट मशीन के जरिए इस अजैविक कूड़े से प्लास्टिक के ब्लॉक बनाए जा रहे हैं, जिनको अच्छे दामों पर बेचकर पालिका की सालाना आमदनी भी हो रही है।
नगर पालिका के ईओ श्री राजदेव जायसी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मशीन के जरिए न सिर्फ पालिका क्षेत्र को स्वच्छ रखने की ओर कदम बढ़ा रही है बल्कि इस मशीन के आने से पालिका को मुनाफा भी हो रहा है। ये मशीन जो हमने उसको दी है 60,000 रुपए तो हमारी एक परमानेंट इनकम हो गई कि कम से कम 60,000 रुपए तो हमें उस साल का देगा ही देगा। इसके बाद जो मशीन के जितना भी व्यय आता है उसके मेंटेनेंस में पूरा व्यय करेगा, अपना वहन करेगा। और हम जो प्लास्टिक बोतल या प्लास्टिक या अदर पॉलिथीन इकट्ठा करेंगे, इस तरह की चीज़ें, कांच के बोतल, ये सब उससे हमने बॉन्ड कराया कि वो मार्केट रेट पर हमसे खरीदना उसकी मजबूरी होगी, वो खरीद के ले जाएगा तो हमारी ये समस्या भी अब खत्म होगी। दूसरा हमने बांड उससे ये भी कराया कि शहर में अगर इस तरह के जितने भी लोग हैं अगर कोई चाहते हैं तो काटर लगाएगा मशीन, चूँकि शहर में ही है तो लोगों को भी आसान हो जाएगा कि अगर इस तरह का इकट्ठा कर रखा है बेचना चाहते हैं तो ले जाकर उसको दे देंगे। पालिका की इस मुहिम को क्षेत्रवासी सराहनीय कदम बता रहे हैं और उनमें भी इस अभियान को लेकर उत्सुकता के साथ खुशी की लहर देखने को मिल रही है। बागेश्वर नगर पालिका द्वारा जो अजैविक कूड़े का निस्तारण के लिए अभियान चलाया है वो काफ़ी काबिले तारीफ है। वो बागेश्वर नगर का जो प्लास्टिक की बोतलें प्लास्टिक इस टाइप के हैं वो सारा निकल करके यहाँ से उसको निस्तारण के लिए इन्होंने अपना एक ठेकेदार नियुक्त किए हुए हैं जो यहाँ से बागेश्वर से हर जगह से सफाई का अभियान दिखने को मिल रहा है। इस पर्यावरण को स्वच्छ रखना हम सब का दायित्व है। पालिका की इस मुहिम से एक ओर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ भारत मिशन को बल मिल रहा है वहीं इससे पर्यावरण को प्रदूषित होने से भी बचाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, देहरादून। उत्तराखंड दौरे पर आए प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सूर्य प्रकाश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को भारत ही नहीं बल्कि विदेशों तक पहुंचाने के लिए अहम योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने विश्व भर के लोगों को योग के प्रति जागरूक किया, यही वजह है कि आज घर घर में लोग योग कर खुद को स्वस्थ रखना चाहते हैं। इट्स अ वेरी मेजर डेवलपमेंट। आप देखिए, अब इंटरनेशनल योगा डे बन गया मोदी जी के ये जो इनिशिएटिव, इसकी वजह से ये हुआ है। और विश्व में हर एक जगह अब योगा डे इतना बड़ा एक कार्यक्रम बन गया है। न्यूयॉर्क हो, टोरंटो हो, दुबई हो, और आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर इज रियली, इट्स अ अवेकनिंग ऑफ पीपल। ये जो योगा हम सब योगा के बारे में हम बात करते थे लेकिन आज घर घर में सबको वो सिखाना और उसका प्रैक्टिस करना, इट्स अ वेरी मेजर इनिशिएटिव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग के प्रति देश और विदेशों में एक ऐसी अलग जगाई कि आज हर कोई योग के महत्व को समझते हुए योग को अपना रहा है। प्रधानमंत्री से प्रेरित देहरादून की 25 वर्षीय रेखा रतूड़ी सीमित संसाधनों के जरिए अपने शहर की गरीब महिलाओं और बच्चों को निःशुल्क योगा की ट्रेनिंग देकर समाज को नई दिशा देने का काम कर रही है। रेखा हर रोज सुबह शाम को छोटे छोटे बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को योगा सिखाती है जिससे वो बीमारियों से कोसों दूर रह सके। काफी लोगों के सेहत मतलब परिवर्तन आया, जो जो लोग बीपी हाई है, किसी को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, किसी को वेरिकोज डिजीज की प्रॉब्लम है, तो धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य में परिवर्तन आने लग गया। तब से मैं योगा सिखा रही हूँ, काफी अर्निंग भी अच्छी है इसमें, अगर कोई इस फील्ड में आना चाहे, खुद का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। योगा दीदी से एक साल से योग सीख रहे बच्चों ने बताया कि योग से उन्हें स्वस्थ रहने में मदद मिलती है। बहुत पसंद है योगा से, मेरी हाइट भी बढ़ी है, बहुत कुछ हुआ है। और मैं जब भी स्कूल में जाती हूँ मैं अपने क्लासमेट्स को बोलती हूँ योगा करो, योगा करो, और वो सब भी करते हैं, मुझे देख देख कर योगा करते हैं। और मैं जिस चीज़ को भी बोलती हूँ वो करते हैं, और मैं चाहती हूँ दुनिया में हर कोई योगा करे और स्वस्थ रहे। मेरे को योगा बहुत अच्छा लगता है, मैं रोज़ योगा करता हूँ और उससे मेरा पढ़ाई में मन भी लगता है, उससे मेरी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। लोगों का मानना है कि नियमित रूप से योग करने से बीमारियां जड़ से खत्म हो जाती है। योगा करना मुझे बहुत पसंद है, काफ़ी पहले से योग कर रही हूँ लेकिन बीच में क्या हुआ कि मेरा योगा छूट गया किसी कारणवश, तो मेरा वेट जो काफ़ी बढ़ने लगा और उसके बाद मैंने फिर अभी स्टार्ट करा है, तो मैं काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ, मतलब काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। इससे करने के बाद मेरी बॉडी काफ़ी फ्लेक्सिबल हो जाती है, और जैसे मैं पहले काम करती थी तो मेरा मन नहीं करता था कि मैं कुछ करूँ, इधर ये उठने का मन नहीं करता। जब से योगा शुरू करा तो मैं एकदम से मतलब बॉडी में एनर्जी से आ गई है।
रेखा की योगा को लेकर पहल का एक सकारात्मक प्रभाव समाज पर पड़ रहा है। रेखा के इस हौसले से समाज को और दूसरों को प्रेरणा मिल रही है। देहरादून के त्यूनी में दर्दनाक सड़क हादसे में CISF के इंस्पेक्टर और उनके पूरे परिवार की मृत्यु हो गई। हादसा त्यूनी बाजार के बनपुर के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार से जा रही कार बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी। कार में CISF के इंस्पेक्टर पवन नेगी और उनका परिवार सवार था। अफसोस की बात है कि हादसे में कोई नहीं बच सका। मरने वालों में इंस्पेक्टर और उनकी पत्नी सहित बेटा बेटी और दो अन्य महिलाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगतों की आत्मा की शांति और दुख की इस घड़ी में उनके परिजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से एयर इंडिया के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक अश्विनी लुहानी ने शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि एयर इंडिया जल्द ही देहरादून से मुंबई के साथ ही देहरादून बनारस कोलकाता हवाई सेवा का शुभारंभ करेगी। उन्होंने राज्य में हवाई सेवाओं के विस्तार और पर्यटन विकास से संबंधित विषयों पर भी मुख्यमंत्री से चर्चा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने श्री लुहानी से पिथौरागढ़ के लिए हवाई सेवा संचालन की भी अपेक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा चौखुटिया में हवाई पट्टी बनाए जाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गौचर, चिन्यालीसौड़, नैनीसैनी हवाई पट्टियों से भी हवाई सेवा के लिए व्यवस्थाएं और सुविधाजनक बनाई जाएगी। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हुई है। आज प्रदेश में कुछ जगहों पर बारिश हुई, जिससे गर्मी से राहत मिली। राजधानी देहरादून में सुबह से तेज धूप निकली हुई थी, लेकिन दोपहर बाद तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। इस दौरान ओले भी गिरे। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ घंटों में देहरादून, उत्तरकाशी, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल और पिथौरागढ़ में बारिश हो सकती है। साथ ही देहरादून, टिहरी, हरिद्वार और पौड़ी में अंधड़ और ओलावृष्टि के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं आज रात से अगले 48 घंटों में पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं ओलावृष्टि और मैदानी क्षेत्रों में कुछ जगह अंधड़ की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने जुलाई के पहले सप्ताह में प्रदेश में मॉनसून के आगमन की संभावना जताई है। इससे किसानों को उम्मीद बंधी है। किसानों का कहना है कि बारिश होने से सूख रहे खेतों और गन्ने की फसल को जीवन दान मिलेगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नगर विकास मंत्री मदन कौशिक के साथ 2021 में हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा की। हरिद्वार स्थित मेला नियंत्रण कक्ष में आयोजित बैठक में समस्त अखाड़ों के प्रतिनिधियों के साथ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने संत समाज की ओर से अपने सुझाव और आवश्यकताएं बताई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार होने वाला कुंभ आयोजन अपने आप में ऐतिहासिक एवं विशेष होगा। उन्होंने विश्व के सबसे बड़े आयोजन में सरकार, शासन और प्रशासन को संतों का आशीर्वाद मिलने और सहयोग की बात कही। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की स्थापना के बाद हरिद्वार में दूसरा महाकुंभ आयोजित होगा। कुंभ के कार्यों में तेजी लाने के लिए जल्द ही स्थायी मेला अधिकारी और मेला पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभ मेले के सफल आयोजन के लिए केंद्र सरकार से 5000 करोड़ की आर्थिक मदद मांगी गई है। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। नवनिर्वाचित लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य सदस्यों ने ली शपथ। प्रधानमंत्री ने कहा, संसदीय लोकतंत्र में सक्रिय विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण। मुख्यमंत्री ने पलायन आयोग द्वारा प्रस्तुत अल्मोड़ा की रिपोर्ट का किया विमोचन। रिपोर्ट के आधार पर पलायन रोकने और रिवर्स माइग्रेशन के लिए रोड मैप तैयार करने के दिए निर्देश। देहरादून के त्यूनी में दर्दनाक सड़क हादसा। खाई में गिरी CISF इंस्पेक्टर की कार, परिवार समेत सभी 6 लोगों की मृत्यु। और प्रदेश में कई जगहों पर झमाझम बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत, किसानों के भी खिले चेहरे। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।